पाकिस्तान की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारे सियासतदानों का अपना मफाद छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, तो उम्मीद तो यही है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो, या ये भी हो सकता है अपना काला धन छुपाने के लिए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब भाई खैरी आफियत से होंगे। तो आज मंडे का दिन था, बड़ा खूबसूरत दिन था। आप पीछे देख रहे हैं मौसम भी बड़ा VIP है। आपका भाई भी मेरे ख्याल में VIP लग रहा होना, कटिंग शटिंग कराई हुई है, ये वो मॉल है। तो बाकी ये गाय शाय पीछे चारा शारा खा रही थी। पीछे वो हरियाली चेक करें, मौसम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये मेरा कज़न आया हुआ है, मुझसे छुपा के पड़ा जैसे मेरी बीवी नहीं आती, ऐसे पड़ा जैसे कोई मुँह छुपा के पड़ा है। मैं इसको उठा रहा हूँ, मैं कहा नाल है, आगे हमने निकलना है, 8-9 बजे का टाइम है गाड़ी के लिए। ये भैया सोए पड़े हैं अभी, उठ ले भैया नाल है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भलो भलो नाल है भैया नाल है, टाइम होया खड़ा है, नाल जाना भी है। उठ ले, तबीयत चेक करें आप इसकी, ना ही देखें तो तबीयत बेहतर ही है। ये भाई फाइनली मैं इधर पहुंचा हूँ ना कज़न के पास। इसके सुबह की वाली बुत्थी सोई पड़ी थी ना, इसको उठा के आपके सामने लगाया था, पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। एक ये भी कज़न है राव साहब, तो आज ये लेके आए हैं इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। मैं आपको एक और जो नवाज शरीफ और साहब हैं उनकी एक और। अच्छा तो ये मेन गेट है इसका, तो ये नवाज शरीफ का एक और मैं कपला बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 7 से 8 मुरब्बे, 7-8। तो तकरीबन ये 7-8 मुरब्बे के अंदर, 7-8 मुरब्बे के अंदर है ना, 7-8 मुरब्बे के अंदर है भाई जान। मतलब कि इन्होंने नवाज शरीफ और लंदन में नहीं, इधर भी इसके समझ एक किस्म के बहुत सारा प्लाट, और इधर से भी बहुत अच्छी आमदनी है, इधर से कर रहे हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रियों की है ये, आपको कार्टन मतलब के ऑयल वगैरह की और फार्मेसी वगैरह की, सब मल्टीपल्स। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं कराची इस्लामाबाद से, यहाँ से तो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। फैमिलीज़ वगैरह वैसे विज़िट के लिए भी आते हैं। तो तक मैं आपको ये सारा आपको चेक करवाता हूँ, जो इंडस्ट्री बनी हुई है आप इसका माहौल चेक करें। ये फाइनली हम इसके अंदर इंटर हो चुके हैं, ये देखें, ये बड़े बेहतरीन रोड बनाए गए हैं बाई रोड, तो हर ताकि आसानी के लिए हर इंडस्ट्री के पास आप आसानी से पहुँच सकें। तो आपको पता है बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में बहुत है, उन्होंने इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो बकायदा इसको ना एक स्पेशल जो इधर से ना रोड बाय रोड दिया गया, इसको बड़ा डबल रोड दिया गया है। तकरीबन पहले यहाँ पे फसलें वगैरह होती थी। पहले मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, यहाँ पे बनता है गत्ता वगैरह, तो गत्ता वगैरह बनता है। तो ये गत्ता आपको पता है काफ़ी यूज़ किया जाता है, ये सारी गत्ते की शॉप फैक्ट्री है, ये यहाँ पे गत्ता बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं, वो जो मैंने व्यू आपको चेक किया, यहाँ अभी कुछ जगह पड़ी है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मतलब कि अभी इसकी सेल नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ पे भी कोई इंडस्ट्री वगैरह बनेगी। ये कोई कॉलोनी वगैरह नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज ही बनेगी। और ये इसकी टैंकी बनी हुई है ये वाली, यहाँ से पानी का सही निज़ाम है उसका, मतलब कि पानी सही प्रेशर से आता है ना। सबसे बड़ी टैंकी बनी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बड़े खुले रोड बनाए गए हैं यहाँ पे, बहुत ही खुले, मतलब कि आसानी से कोई गाड़ी ट्रक वगैरह ये हर चीज़ आसानी से गुजर सकती है। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, ये पता नहीं इनका क्या कहना है कि वीडियोस शूट नहीं कर सकते। तो मैं इधर छुप के यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था, तो खैर सिक्योरिटी अभी भी पीछे ही है मेरे, वीडियो शूट नहीं करने देते। फिर भी क्या टाइम मुख्तसर सा है, शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं यहाँ पर। तो भाईजान इन्होंने इसी तरह काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई है, तकरीबन 7 से 10 मुरब्बे के अंदर है ये, 7 से 10 मुरब्बे के। ये कार्टन फैक्ट्री, आयल मिल्स, ये गत्ते की फैक्ट्री। तो मैं वीडियो शूट कर रहा था तो पीछे से वो आ गया, उन्होंने कहा वीडियो अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है,
ये भाई भी मेरे साथ फिरने आए थे, इनसे थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या भैया आप भी फिर रहे हैं, तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आपको जो जहन में आई है, देखा आपने इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी भाई जान बताएं आप। हाँ जी भाई, जैसे कि उमर राव साहब ने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, यहाँ पर मिलियंस नहीं बिलियंस का यानी कि कारोबार हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुनाफा बख्श भी है अगर इसको पाकिस्तान की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारे सियासतदानों का अपना मफाद छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, तो उम्मीद तो यही है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो, या ये भी हो सकता है अपना काला धन छुपाने के लिए यहाँ जो बड़े बड़े रिच पड़े हैं, मगरमच्छ पड़े हैं, वो अपनी सरमायाकारी करके अपनी जो ब्लैक मनी उसको वाइट करने के चक्करों में है। तो वीडियोस देखते रहें, हम आपको आगे भी दिखाते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़, कोशिश करते हैं। जैसे कि उमर राव साहब ने आप लोगों को बताया है कि यहाँ बहुत सारी सख्ती है पड़ी वीडियोज़ के ऊपर, अब ये नहीं पता किस वजह से है। हालांकि अगर ये आवाम के फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है तो इसकी नुमाइश बनती है, लोगों तक ये काम पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनकी कौन सी हेजिटेशन है कि वो ये नहीं चाहते कि यहाँ के जो काम है वो बाहर दिखाए जाए, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ का जो वर्क है वो बाहर ना दिखाया जाए। अब समझ नहीं आ रही, अब हम फर्दर आगे देखते हैं जाके, आप लोगों को कोशिश करते हैं जितनी हो सकती है आप लोगों की इंडस्ट्रीज़ दिखाते हैं। थैंक यू। बाइक पर हम बैठ गए हैं तो आपको यहाँ से ही वैसे आपको चेक करवाएँगे इंडस्ट्री के पूरे व्यू, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देंगे, तो इंशाल्लाह चलते हैं, बाकी आपको व्यू चेक करवाते हैं। सिंपल जो हम कागजात वगैरह यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ की जाती है फैक्ट्री। सही नंबर अहमद कमाल पेपर, आपको नज़र भी आ रहा होगा अहमद कमाल पेपर इंडस्ट्री के नाम से बनाई गई है ये। तो ये सिर्फ सिंपल ही नहीं है, तो इसके सामने व्यू ही बड़ा अच्छा बनाया गया इन्होंने, आप देख सकते हैं गली गम। ये देखें आप व्यू चेक करें, यहाँ पे काफ़ी पौधे वगैरह दरख्त लगाए गए हैं, जैसा कि आपको मेन रोड पे देखने को मिलती है ना इंडस्ट्री, तो वो आने जाने वाले मुसाफिर भी परेशान हो रहे होते हैं। तो इस तरह ऐसा कोई मॉल नहीं है, ये साइड पे इंडस्ट्री का एक सीन बनाया गया ताकि जो धुआं गंदा इससे बचा जाए, और माहौल बड़ा अच्छा है, ये पौधे वगैरह ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत अच्छी खूबसूरती बनाई गई है। ये फार्मेसी की बनाई गई है, यहाँ पर फार्मेसी वगैरह बनती है, वो मेडिसिन वगैरह, तो मेडिसिन वगैरह के लिए इंडस्ट्री बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये अभी तामीर भी हो रही है कुछ, इसका कुछ एक पार्ट ही बनाया गया था बैक साइड पे, वो बना हुआ है, तो बाकी अभी इसका काम जारी है। ये साबुन के लिए बनाई गई है फैक्ट्री वगैरह, साबुन वगैरह नहीं काला साबुन बनता, तो इधर यहाँ काला साबुन बनाया जाता है, ये इसको ऑफिस बनाया हुआ है, तो ये इस काला साबुन बनाने के लिए यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे काला साबुन बनता। तो अब इस वक्त इस भैयान ये भी एक इंडस्ट्री बनाई गई है, केमिकल वगैरह बनते हैं यहाँ पर, केमिकल्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ, तो आप देख सकते हैं ये इसके काफ़ी प्लांट लगे हुए ऊपर तक, तो ये भी इसी इंडस्ट्रीज़ में आता है जो वहाँ जगह मैंने आपको बताया था शुरू में इंट्रोड्यूस में। तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री इसमें भी वो बनाई गई है, केमिकल का पार्ट भी आ रही है, काफ़ी ड्रम्स भी पड़े हैं और यहाँ पे केमिकल्स की खुशबू भी आ रही है। तो ये केमिकल्स यहाँ बनाए जाते हैं, तो उनका कहना था कि जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, तो इसमें हम इंटर भी नहीं हो सकते, तो वीडियो वैसे इधर बनाना अलाउ नहीं है, तो काफ़ी जहरीले केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो बाकी ये थोड़ा सा आपको ये व्यू चेक करवाया जहाँ हमें मौका मिला, हमने वीडियो शूट की वगैरह, लेकिन तो बाकी सख्ती तो है, लेकिन वो शायद वो खुद ही जानते हैं अभी क्या मसला है, ये शो नहीं करवाना चाहते, तो इस वजह से उन्होंने वीडियो बनाना अलाउ नहीं की हुई यहाँ पे। तो बाकी हम यहाँ वी लोग को एंड करते हैं, तो
देखते रहिएगा उमर राव वी लोग, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो अपनी मोहब्बत भी दिखाइएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी शेयर भी। शक्लें देखें कैसी बनी हुई है, इनको साथ लेके आया हूँ, अगर फिर भी वीडियो का फ़ायदा ना हो।